देश भर में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आलम ये है कि कई राज्यों को फिर से हफ्ते या दो हफ्ते की अवधि के लिए लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में पहली बार कोरोना के 50,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। ये मरीजों की संख्या में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। हालांकि सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 का ऐलान किया। ये 1 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले अनलॉक 2 की मियाद 31 जुलाई को खत्म हो रही है। अनलॉक 3 के तहत सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है, जिनमें बताया गया है कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। आइए जानें अनलॉक 3 में किन गतिविधियों में रियायत मिलेगी और किन पर जारी रहेगी पाबंदी। 1 अगस्त से लागू होंगे ये नए नियम। जानें अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस के ये 11 पॉइंट। नंबर 1, कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक जारी करेगा। नंबर 2, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। नंबर 3, अब तक रात में कर्फ्यू लगा था जो हटा दिया है, यानी रात्रिकालीन पाबंदी नहीं रहेगी। नंबर 4, अनलॉक 3 के दिशा निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। नंबर 5, इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन सेवाएं, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार नहीं खुलेंगे। नंबर 6, इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रम भी 31 अगस्त तक पूरी तरह बैन रहेंगे। नंबर 7, कंटेनमेंट जोन जो जिले जो चीजें अभी खुली है वही स्थिति में रहेंगी, यानी गतिविधियां जारी रहेगी। नंबर 8, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह को आयोजित करने की अनुमति रहेगी। कार्यक्रम में मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। नंबर 9, वंदे मातरम के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 11, विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। जाने अनलॉक 3 में क्या खुलेगा क्या नहीं। अनलॉक 3 में इस पर छूट, नाइट कर्फ्यू हटाया गया। अब रात में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त 2020 से खुलेंगे, सरकार ने इसकी इजाजत दी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति। वंदे मातरम मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं की अनुमति। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर लोग आ जा सकेंगे। सामान ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के कार्यों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता नहीं। इन पर पाबंदी रहेगी जारी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। 31 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा कड़ाई से की जाएगी। इन क्षेत्रों में रोकथाम के उपाय से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकालने की पाबंदी रहेगी। अगर कोई मेडिकल आवश्यकता है तो ही बाहर जाने की छूट होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय बाद में इस पर SOP जारी करेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।